सभी को मेरा नमस्कार। नवरात्रि के आठवें दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जयकारा महामाई का, बोल साचे दरबार की जय। नवरात्रि के आठवें दिन दुर्गा माँ के महागौरी रूप की पूजा की जाती है। महा का अर्थ है अत्यंत और गौरी का अर्थ है श्वेत। महागौरी के नाम से ही प्रकट होता है कि इनका रूप पूर्णतः गौरवर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी, यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद रंग के हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं और इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे के हाथ में त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में माँ महागौरी ने डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत ही शांत है। महागौरी का वाहन वृषभ है, इसीलिए महागौरी को वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। ओम देवी महागौरिये नमः। महागौरी के नाम की 2 रोचक कथाएं हैं, आइए सुनते हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद आदि शक्ति पार्वती ने पति रूप में शिव भगवान को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। तपस्या करते समय सभी प्राकृतिक आपदाओं को झेलने के कारण धूल, मिट्टी, सर्दी, गर्मी, बरसात आदि से इनका शरीर काला पड़ गया था, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। इनका रूप गौरवर्ण हो गया था, इसलिए पार्वती माँ महागौरी के नाम से जानी जाने लगी। इस प्रकार महागौरी माँ पार्वती का ही एक रूप है। एक दूसरी कथा के अनुसार कालरात्रि के रूप में सभी राक्षसों को मारने के बाद जब देवी पार्वती के पति महादेव ने उन्हें काली कहकर चिढ़ाया था, तो उत्तेजित होकर पार्वती जी ने अपनी निष्पक्ष त्वचा को पाने के लिए कई दिनों तक कड़ी तपस्या की और ब्रह्मा जी को अर्घ दिया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर देवी पार्वती को हिमालय में मानसरोवर नदी में स्नान करने की सलाह दी। ब्रह्मा जी की सलाह को मानते हुए पार्वती जी ने मानसरोवर गंगा नदी में स्नान किया। मानसरोवर में स्नान करने के बाद उनकी गहरी त्वचा उनसे अलग हो गई और उसने एक स्त्री का रूप ले लिया। यह स्त्री कौशिकी है, जो राक्षसों शुंभ और निशुंभ का वध करती हैं, तथा पार्वती माता ने अपने श्वेत रंग और सुंदरता को उन्हें प्राप्त कर लिया और महागौरी नाम से जानी जाने लगी। आइए अब जानते हैं माँ गौरी की पूजा विधि। नवरात्रि के 8वें दिन महाअष्टमी के दिन माँ की पूजा कन्या रूप में की जाती है। दुर्गा अष्टमी के दिन सुबह स्नान करके देवी की पूजा की जाती है। पूजा करने के लिए लाल फूल, लाल चंदन, दिया, धूप आदि का प्रयोग किया जाता है। महाअष्टमी के दिन देवी को उबले हुए काले चने, हलवा, पूरी तथा कच्चे नारियल का प्रसाद चढ़ाया जाता है। उसके बाद 9 कन्याओं तथा 1 लड़के की पूजा करके प्रसाद खिलाया जाता है। 9 कन्याएं देवी के 9 रूपों का प्रतीक मानी जाती हैं और लड़के को लांगूर के रूप में माना जाता है। बहुत से भक्त इस दिन महागौरी को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ हवन आदि भी करते हैं। माँ गौरी की पूजा करने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। यदि कुंवारी कन्याओं का विवाह ना हो पा रहा हो तो मनवांछित पति प्राप्त करने के लिए कन्याएं इस दिन महागौरी की पूजा करती हैं और विवाहित महिलाएं अखंड सुहाग के लिए महागौरी को श्रृंगार का सामान चढ़ाती हैं। महागौरी की प्रार्थना। श्वेते वृषे समारूढ़ा, श्वेतांबर धरा शुचि,
महागौरी शुभम दद्यान् महादेव प्रमोददा। महागौरी की स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां महागौरी का ध्यान मंत्र। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्धकृत शेखराम, सिंहारूढ़ा चतुर्भुजा महागौरी यशस्विनी, पूर्णेन्दु निभाम गौरी सोमचक्र स्थिताम अष्टमम महागौरी त्रिनेत्राम, वराभीतिकरा त्रिशूल डमरूधरा महागौरी भजेम, पटांबर परिधाना मृदुहास्या नानालंकार भूषिताम, मंजीर हार केयूर किंकिणी रत्नकुंडल मंडिताम, प्रफुल्ल वंदना पल्लवाधरा कांत कपोलाम त्रैलोक्य मोहनम, कमनीयाम लावण्याम मृणालाम चंदन गंधलिप्ताम। महागौरी का स्रोत। सर्व संकट हंत्री त्वहि धन ऐश्वर्य प्रदायिनी, ज्ञानदा चतुर्वेदमयी महागौरी प्रणमाम्यहम्। सुख शांति दात्री धन धान्य प्रदायिनी, डमरूवाद्य प्रिया अद्या महागौरी प्रणमाम्यहम्। त्रैलोक्य मंगल त्वहि तापत्रहारिणी, वददम चैतन्यमयी महागौरी प्रणमाम्यहम्। मां गौरी का कवच। ओंकार पातु शीर्षो मा हीम बीजम मा हृदयो, क्लीम बीजम सदा पातु नभो गृहो च पाद्यो, ललाटम करणो हु बीजम पातु महागौरी मा नेत्रम घ्राणो, कपोत चिबुको फट पातु स्वाहा मा सर्ववदनो। महागौरी मां की आरती। जय महागौरी जगत की माया, जय उमा भवानी जय महामाया। हरिद्वार कनखल के पासा महागौरी तेरा वहां निवासा, चंद्रकली और ममता अम्बे जय शक्ति जय जय माँ जगदम्बे। भीमा देवी विमला माता कौशिकी देवी जग विख्याता, हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा, सती सत हवन कुंड में था जलाया उसी धुएं ने रूप काली बनाया, बना धर्म सिंह जो सवारी में आया तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया, तभी माँ ने महागौरी नाम पाया शरण आने वालों का संकट मिटाया। शनिवार को तेरी पूजा जो करता माँ बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता, भक्त बोलो तो सोच तुम क्या रहे हो, महागौरी माँ तेरी हरदम ही जय हो, महागौरी माँ तेरी हरदम ही जय हो। जयकारा महामाई का बोल साचे दरबार की जय, जय माँ महागौरी। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में माँ का जयकारा अवश्य लगाएं। जय माता दी।